उसे किया गया था, एक सेशन में मैं गया था, तो वो डेंटिस्ट बैठे हुए थे, कुछ 400 लोग बैठे थे एक ऑडिटोरियम में, वहाँ से एक लड़की ने हैंड रेस किया, उसने कहा कि सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैंने कहा जी बेटा सवाल पूछिए। सवाल उसका कुछ यूँ था कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ, थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, फैमिली मेरी बहुत सेलिब्रेट करती है मेरी इवेंट्स, फ्रेंड्स टीचर्स बड़े खुश होते हैं, बट मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे गोल्ड मेडल से सख्त नफरत है। मुझे डॉक्टर इसलिए बनाया जा रहा है, मेरी माँ इसलिए बना रही है क्योंकि मेरे मामू के 3 बेटे हैं, वो डॉक्टर्स हैं, एंड उनकी विश है कि शादी के कार्ड पर लिखा हो डॉक्टर फलाना में डॉक्टर फलाना। बताएं मैं क्या करूँ? ऐसे बहुत सारी लड़कियां, तो आपने कुर्बानी दे दी ना, अभी क्या अन्ना क्या है, आपको नहीं बनना था। मतलब ये माँ बाप का कसूर है कि देखें जो हर किसी में अलग अलग सलाहियत है, कोई हर कोई डॉक्टर बन नहीं सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई पायलट नहीं बन सकता, लेकिन वो तो बन रही है ना, लेकिन बनना नहीं चाहती। आपने कुर्बानी दे दी ना, आपने सुसाइड कर ली, तब इसका क्या हल है? बस जाहिर आप नजर नहीं आ रही, अनाउंस ऑफिशियली आपकी सुसाइड अनाउंस नहीं हुई, लेकिन आपने कर ली अपने माँ बाप के कहने पे। तो माँ बाप के कहने पे काफी लोगों ने सुसाइड किए, वो काम कर गए जो वो नहीं करना। उसने कहा ना मुझे वो डिग्री चाहिए, ना मुझे उस जगह शादी करनी। अब ऐसे बच्चों को क्या करें, ऐसी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे हैं। वो बच्ची भी गलत है ना, बच्ची को उस वक्त अपनी राइट के लिए लड़ना चाहिए था। लड़ने से मुराद ये नहीं बगावत करके घर छोड़ के चली जाए, नहीं, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था। और अगर आप पेरेंट्स को कंटिन्यू कन्विंस करते रहेंगे वो हो जाते, ऐसी बात नहीं है, बस शर्त ये है कि आपके पास दलील बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसको आप बार बार रिपीट करते रहें, उनको कुछ एग्जाम्पल दें, दुनिया से टच करें कि देखें ये इस मूड में ये हो रहा है या ये हो रहा है, मैं ये बनना चाह रही हूँ या मैं बनना चाहता हूँ, इसके ये बेनिफिट है, मैं जो ये मेरी नीड है, मेरी जरूरत है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपकी भी नाकामी है, आपकी भी सुस्ती है, और आप जिसको कुर्बानी का नाम दे रहे हो कि मैंने कुर्बानी दी, तो फिर जब कुर्बानी दी है तो आज गिला सिकवा किससे? गिला सिकवा करने का मतलब ये होगा आपने कुर्बानी नहीं दी। अगर वाकई आपने कुर्बानी दी होती माँ बाप के कहने पे, तो आज ओपनली इतने लोगों के 400 लोगों के सामने अपने माँ बाप को अंडर एस्टिमेट ना करते, डिग्रेड नहीं करते। उस लड़की ने कुर्बानी भी नहीं दी, उस लड़की ने अपनी उस सफर कर स्ट्रगल नहीं कर पाई या कन्वेंस नहीं कर पाई, उस माहौल को फेस कर नहीं पाए। यानी बाज लोग पता है क्या होता है, बाज लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। वो जो भी लड़की थी वो उस वक्त कंफर्ट जोन में रहना चाहती थी, जो उस वक्त उसको फेस करना था वो नहीं किया। आज उसके पास वक्त खत्म हो गया, आज उसने माँ बाप को एक्सपोज कर दिया, तो इसका मतलब सेक्रीफाई नहीं दी थी, वो उसका खुद का प्रॉब्लम था, वो कम्फर्ट जोन में रहना चाहती थी और वो कम्फर्ट जोन के वजह से अपने माँ बाप को दलील नहीं दे सकी, अपने माँ बाप को कन्विंस नहीं कर पाई, आज वो भुगत रही है जो भी, वो अपनी सुस्ती की वजह से, अपने कंफर्ट जोन की वजह से और वक्त के साथ उसने फेस नहीं किया, फेस करती आज ये रिजल्ट नहीं होता।